Shut up and sit down. 9.1 Role of shaking, brushing, airing, laundering clothes in care and maintenance of fabrics. अब देखिए, कपड़ों की देखरेख तथा अनुसरण की प्रक्रिया में झाड़ना, ब्रशिंग, हवा लगाना तथा कपड़े धोने की विधि की भूमिका. भूमिका क्या होता है, रोल? तो हर एक के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि शेकिंग, ब्रशिंग, एयरिंग, फिर लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स, फिर उसका देख रेख, उसको कैसे मेंटेन करना है, रख रखाव करना है, वो सब कुछ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, अलग अलग क्वालिटी का कपड़ा वो कैसे धोना है, कैसे रखना है, सब चीज आइए पढ़ते हैं. वी ऑल नो दैट व्हेन वी वेयर क्लोथ्स दे बिकम डर्टी एंड नीड लॉन्ड्रिंग. हम सभी जानते हैं कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो वे गंदे हो जाते हैं और उन्हें धोने की आवश्यकता होती है. लॉन्ड्रिंग मतलब धोना. द डर्ट इज ड्यू टू स्टेन्स, डस्ट, ग्रीस एंड परस्पिरेशन. अब ये गंदगी क्यों होती है? ये गंदगी दाग धब्बों के वजह से, धूल के वजह से, ग्रीस के वजह से तथा पसीने के कारण होती है. वेल लेफ्ट ऑन फैब्रिक्स दीज कैन लीड टू फॉलोइंग डैमेजेस. यदि ये कपड़ों में लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो कपड़े को क्या क्या नुकसान होता है, आइए वो देखते हैं. स्टेन्स एंड डर्ट ऑन क्लोथ्स बिकम मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगस और अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच मेड लीड टू स्किन प्रॉब्लम एंड पुअर पर्सनल हाइजीन. अब मान लीजिए आपके कपड़े में दाग धब्बे हैं, धूल है, तो इससे क्या होगा, जीवाणु, फुफुंद या अन्य हानिकारक जीवाणुओं का विकास होगा. ठीक है, जो आपको स्किन एलर्जीज, स्किन डिजीज, त्वचा रोग आपको दे सकता है और इससे आपका पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई में समस्या उत्पन्न होगा. डर्टी क्लोथ्स लूज देयर फ्रेशनेस एंड स्मेल अनप्लीजेंट. अब जो गंदे कपड़े होते हैं, मैले कपड़े, वह अपनी ताजगी खो देते हैं तथा उनसे दुर्गंध आने लगती है. लेफ्ट ऑन क्लोथ्स द डर्ट एंड स्टेन्स रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक. अगर कपड़ों में धूल तथा दाग धब्बों को लंबे समय तक वैसे ही छोड़ दिया जाए तो कपड़ों की मजबूती कम हो जाती है. नो वन फील्स गुड वियरिंग स्टेन्ड एंड डर्टी क्लोथ्स. दाग लगे तथा गंदे कपड़ा पहनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. क्लोथ्स नीड नॉट टू बी वॉश्ड एवरी टाइम दे आर वॉर्न. कपड़ों को पहनने के बाद हर बार धोने की आवश्यकता नहीं होती है. It depends on the weather in which these have been worn and how much sweat they have absorbed. अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो आप कपड़ा पहने हैं वो किस मौसम में पहने हैं तथा वह कपड़ा कितना पसीना लगा है उसमें, वह कितना गंदा हुआ है. When the weather is good and you do not sweat, you can safely reuse your clothes. जब मौसम अच्छा होता है और आपको पसीना नहीं आ रहा हो तो आप अपने कपड़ों को बिना धोए दोबारा प्रयोग कर सकते हैं. बट बिफोर पुटिंग देम अवे फॉर रीयूज कीप द फॉलोइंग स्टेप्स इन माइंड टू मेंटेन योर क्लोथ्स. किंतु पहने हुए कपड़ों को वापस पहनने के लिए रखे जाने से पहले अपने कपड़ों की देखरेख के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान आपको रखना है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग को ध्यान रखना है, कि हम लोग कपड़ों को कैसे रखेंगे और अगर हम लोग को वापस उसको इस्तेमाल करना है तो वो कैसे होगा. 9.1.1 शेकिंग, ब्रशिंग एंड एयरिंग. 9.1.1 कपड़ों को झाड़ना, शेकिंग, ब्रश करना, ब्रशिंग तथा हवा में रखना, एयरिंग. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये क्या है, आइए देखते हैं. शेकिंग हेल्प्स इन रिमूविंग लूज डस्ट फ्रॉम द फैब्रिक. होल्ड द ड्रेस विद बोथ हैंड्स एंड शेक इट विगरसली. झाड़ने से कपड़ों पर लगी धूल निकल जाती है. अपने ड्रेस को, कपड़े को दोनों हाथ से पकड़कर उसे अच्छी तरह से झाड़ लें. हैव यू सीन मटेरियल्स लाइक वेलवेट्स, कॉर्ड्यूरी, चिनाइल, ब्लैंकेट्स एंड कार्पेट्स. दे आर थिक एंड हैव अ पाइल ऑन देयर सर्फेस विच होल्ड्स डस्ट ईजली. टू रिमूव इट we need to gently brush the surface with a soft clothes brush in the direction of pile, fuzzy surface. अब देखिए, क्या आपने मखमल, कादाई, शनील, कंबल तथा कालीन जैसी वस्त्र देखे हैं? अब ये जो कपड़े होते हैं ये वस्त्र मोटे होते हैं त-
तथा इनकी सतह पर रेशे होते हैं जिस पर धूल आसानी से जम जाती है। इसे हटाने के लिए एक नरम कपड़े से उस पर आप आस्ते आस्ते ब्रश करें, ठीक है, ब्रश रेशों की दिशा में करें। Thus, brushing is for removing loose dirt from fabric which have a pile on them. Suit and coats are also brushed. अब देखिए, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ब्रशिंग का प्रयोग कहां किया जाता है, रेशेदार कपड़ों पर लगी ऊपरी धूल को हटाने के लिए। अब जो सूट होता है, कोट होता है, इसको हम लोग धोते नहीं है, इसको हम लोग ब्रश से साफ करते हैं। एयर इन हेल्प्स इन ड्राइंग एंड रिमूविंग बैड ऑडर फ्रॉम फैब्रिक्स। इट इज डन प्रेफरेबली आउटडोर्स इन द सन और इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम। अब देखिए, एयरिंग, जिसको हिंदी में हवा लगाना कहते हैं, हवा लगाने का प्रयोग कपड़ों को शुष्क रखने के लिए और उनसे आने वाले दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से धूप में या हवादार कमरे में किया जाता है। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या चीज का है? ब्रशिंग का। अब चलिए आगे देखते हैं। 9.1.2 लॉन्ड्रिंग, 9.1.2 लॉन्ड्रिंग, धुलाई। लॉन्ड्रिंग ऑफ क्लोथ्स डज नॉट मीन ओनली वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 steps। अब देखिए, लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य केवल कपड़ों की धुलाई से नहीं है। लॉन्ड्रिंग में कपड़ा सिर्फ धोया नहीं जाता है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसके 3 चरण होते हैं, 3 steps होते हैं इसमें, आइए देखते हैं। सबसे पहला, वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग गार्मेंट्स टू रिमूव डर्ट, perspiration and smell. Example, your school uniform is washed and your woolen coats and jackets etc. are drying clean. अब देखिए, कपड़ों से धूल, पसीना और दुर्गंध को निकालने के लिए उसे या तो धोना पड़ता है या तो ड्राई क्लीन करना पड़ता है। जैसे आपके स्कूल का जो कपड़ा होता है, ड्रेस होता है, उसको पानी से धोया जाता है, लेकिन आपका जो ऊनी कोट होता है या जैकेट होता है, उसे ड्राई क्लीन द्वारा साफ किया जाता है। फिनिशिंग द गार्मेंट्स विथ स्टिफनिंग एजेंट्स लाइक स्टार्च एंड गम, ब्राइटनिंग और ब्लीचिंग एजेंट्स, ड्राइंग देम, देन आयरन और प्रेसिंग, फोल्डिंग एंड हैंगिंग गार्मेंट्स, एग्जाम्पल कॉटन दुपट्टा एंड साड़ीज आर स्टार्च्ड। अब देखिए, आप पहले या तो उसको धो लिए या तो उसको ड्राई क्लीन किए, उसके बाद कपड़ों को चमक देने के लिए, कपड़ों को कड़क करने वाले पदार्थों जैसे स्टार्च तथा गोंद में डाला जाता है या ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, उन्हें सुखाकर उन पर इस्त्री या प्रेसिंग की जाती है और उसके बाद उनकी तह लगाकर रख दिया जाता है, उसको मोड़कर चपोत के रख दिया जाता है। अब जैसे सूती दुपट्टे और साड़ियों पर स्टार्च लगाकर उन्हें कड़ा किया जाता है, उनमें चमक आती है। स्टोरिंग द गारमेंट फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल वेन द विंटर सीजन अराइव्स यू पुट अवे समर क्लोथ्स एंड टेक आउट वुलन शॉल्स, स्वेटर्स, कोट्स एटसेट्रा। आप देखिए, जो आपके कपड़े होते हैं, तो उन्हें कपड़ों को अल्पकाल या दीर्घकाल, अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म और दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए संभाल कर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, जब विंटर सीजन होता है, सर्दी का मौसम होता है, तो हम गर्मी के कपड़ों को संभाल कर रख देते हैं और ऊनी शालों, स्वेटर और कोटों आदि को बाहर निकाल लेते हैं। रिमेंबर, वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ध्यान रखें कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सफाई के लिए धुलाई तथा ड्राई क्लीनिंग दो अलग अलग प्रक्रिया है। अच्छा, वॉशिंग और ड्राई क्लीनिंग, वॉशिंग मतलब धुलाई और ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, आइए करते हैं। वॉशिंग मीन्स रिमूविंग द डर्ट यूजिंग सोप और डिटर्जेंट एंड वॉटर। अब वॉशिंग में क्या होता है, धुलाई में कपड़ों से धूल और गंदगी को हटाने के लिए साबुन या डिटर्जेंट तथा पानी का प्रयोग किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग मीन्स रिमूविंग डर्ट यूजिंग ग्रीस अब्सॉर्बेंट्स और सॉल्वेंट्स। अब ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों से धूल आदि को हटाने के लिए ग्रीस, अवशोषक तथा विलायक का प्रयोग किया जाता है। सॉल्वेंट विलायक होता है और ग्रीस अब्सॉर्बेंट होते हैं, ग्रीस अवशोषक
वॉशिंग कलर फास्ट फैब्रिक्स कैन बी इजिली वॉश्ड। अब देखिए, पक्के रंग वाले कपड़ों को आसानी से धोया जा सकता है। ड्राई क्लीनिंग लेदर एंड फर सेलेक्टेड सिल्क एंड वुलन्स जरी एंड अदर कॉस्टली फैब्रिक्स आर ड्राई क्लीन्ड। अब देखिए, चमड़े तथा फर वाले कपड़े, चुनिंदा रेशम तथा ऊनी कपड़े, जरी वाले कपड़े तथा महंगे कपड़े को ड्राई क्लीन किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 9.1, पाठगत प्रश्न 9.1। मीना हैज अ बास्केट फुल ऑफ सॉल्ड क्लोथ्स। मीना के पास गंदे कपड़ों से एक भरी एक टोकरी है। दीज इंक्लूड हर सिल्क ब्लाउज, जरी साड़ी, कॉटन शर्ट, कॉटन पायजामा एंड वुलन शॉल। अब इसमें क्या क्या है? इसमें उसके रेशम का ब्लाउज, जरी वाली साड़ी, सूती कमीज, सूती पैजामा तथा ऊनी शॉल है। विच ऑफ दीज वुड यू रिकमेंड हर टू वॉश एट होम एंड विच क्लोथ्स शुड शी सेंड फॉर ड्राई क्लीनिंग, व्हाई? अब आप इसमें से किन कपड़ों के लिए घर में धुलाई के लिए तथा किन कपड़ों के लिए ड्राई क्लीनिंग की सलाह देंगे और क्यों? कॉटन शर्ट एंड कॉटन पायजामा कैन बी वॉश्ड एट होम, वेयर एज सिल्क ब्लाउज, जरी साड़ी एंड वुलन शॉल शुड बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग बिकॉज द अदर क्लोथ्स आर कॉस्टली एंड आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच इफ वॉश्ड एट होम वुड स्पॉइल द क्लोथ्स एंड देयरफॉर दे नीड टू बी ड्राई क्लीन। आप देखिए, कॉटन शर्ट कॉटन पायजामा जो होता है उसको क्या करना चाहिए, घर में आप धो सकते हैं, लेकिन जो सिल्क ब्लाउज होता है, जरी का साड़ी होता है, वुलन शॉल होता है, इसको आपको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो कपड़े हैं ये महंगे हैं। साथ ही साथ ये उस मटेरियल का बना होता है जिसको अगर आप घर में धोएंगे तो आपके कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए इसको ड्राई क्लीनिंग करवाना जरूरी है। समर सीजन हैज सेट, यू हैव टू पुट अवे द विंटर क्लोथ्स। What step would you suggest to your friend to ensure that his clothes are clean and ready to store till the next season? गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, आपको सर्दियों के कपड़े संभाल कर रखने हैं। आप अपने मित्र को क्या करने की सलाह देंगे ताकि उसे कपड़े साफ सुथरे रहें और अगले मौसम में सीधे प्रयोग किए जा सकें? The clothes should be dirt free, stain free and smell free and then only should be kept for storing till the next season. अब जो कपड़े हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए, उनमें दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, उनमें बदबू नहीं होनी चाहिए, तभी अगले सीजन में, अगले मौसम में वह इस्तेमाल के लायक रखे जा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 9.2, getting ready to launder clothes at home. कपड़ों को घर में ही लॉन्ड्री के लिए तैयार करना, ठीक है, धुलाई के लिए तैयार करना। Whenever you are ready to launder clothes at home, remember that there are certain preparations required. जब भी आप घर में ही कपड़ों को धोने के लिए तैयार होते हैं तो ध्यान रखें कि आपको इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। What are these? अब ये क्या तैयारियां हैं? Why are these preparations necessary? अब ये जो तैयारियां हैं ये आवश्यक क्यों हैं? How and what we need to do? Let us find out. अब हमें क्या करना है और किस तरह करना है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 9.2.1, collection of clothes and supplies. अब कपड़ों को इकट्ठा करेंगे पहले आप। If you have a set place to keep your dirty clothes and supplies for washing, then this step is already taken care of. यदि आपके पास गंदे कपड़े रखने तथा धुलाई के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था है तो यह जो पहला चरण है, ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, घर में इधर उधर कपड़े फेंकते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो कपड़ा इस्तेमाल हो गया है वो एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं धोने के लिए। इफ नॉट देन कलेक्ट ऑल द डर्टी क्लोथ्स एंड सप्लाईज नीडेड फॉर वॉशिंग एट वन प्लेस। अगर आप एक जगह इकट्ठा नहीं किए अपने कपड़ों को तो आपको क्या करना होगा, जो आपका गंदा कपड़ा है, ठीक है, जो भी चीजें हैं उसको धोने के लिए एक जगह पे आपको इकट्ठा करना होगा। जैसे मेरे घर में क्या है, वॉशिंग मशीन है, तो हम क्या करते हैं, सारा कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालते रहते हैं और जब धोना होता है तो वॉशिंग मशीन से सारा कपड़ा निकाल के जैसे जिसको धोना है धोते हैं।
इट हेल्प्स टू कंजर्व एनर्जी व्हाइल वॉशिंग। अब इससे क्या होता है कि कपड़े धोते समय ऊर्जा बचती है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है? 9.2.2 मेंडिंग डैमेज्ड गारमेंट्स। अब देखिए, फटे उधड़े कपड़ों को ठीक करें आप पहले। मेंड करना मतलब ठीक करना। द ओल्ड सेइंग अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 स्टैंड्स ट्रू इन दिस केस। अब एक पुरानी कहावत है कि सही समय पे अगर आप एक टांका लगा देंगे तो आपको 9 टांके नहीं लगाने होंगे, और इस मामले में यह सही है। इफ एनी गारमेंट हैज बीन डैमेज्ड, इट्स हैंडलिंग ड्यूरिंग वॉशिंग मे मेक द यार्न कम आउट फ्रॉम इट्स टॉर्न एरियाज एंड मेक द टियर लार्जर। अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है जो कि फटा हुआ है, तो क्या होगा अगर आप उसको बिना ठीक किए धोएंगे, तो उस समय जहां पर वो कपड़ा फटा है वहां से धागा निकल सकता है और वो और ज्यादा फट सकता है। इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू मेंड देम नीटली। अब ये जो फटे कपड़े हैं इनको सही रूप से सिलना या ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल या असंभव हो जाता है। दैट इज वाई इट इज एडवाइजेबल टू मेंड रिपेयर ऑल टियर्स बिफोर द गारमेंट आर वॉश्ड। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि फटे हुए कपड़ों को धोने से पहले उनको आप ठीक कर लें, सिलना हो तो सिल लें। नेक्स्ट है सॉर्टिंग 9.2.3 सॉर्टिंग, जिसको हिंदी में वर्गीकरण करना कहते हैं, मतलब अलग अलग करना। इट रेफर्स टू सेपरेटिंग द क्लोथ्स ऑन द बेसिस ऑफ 1 द टाइप ऑफ फैब्रिक, 2 कलर, 3 साइज एंड वेट, 4 अमाउंट ऑफ डर्ट, 5 यूटिलिटी ऑफ द आर्टिकल, 6 सोकिंग टाइम, 7 अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड ब्लीच रिक्वायर्ड एज दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स। अब देखिए इसका सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ। सॉर्टिंग वर्गीकरण का अर्थ है वस्त्रों को कपड़ों के प्रकार, उनके रंग, उनके आकार तथा वजन, धूल की मात्रा, वस्त्र की उपयोगिता, आप उस कपड़ा को कितना इस्तेमाल करते हैं, भिगोने की अवधि, कब तक उसको आपको भिगो के रखना है, और कौन सा डिटर्जेंट या ब्लीच लगेगा, कितना लगेगा, उसके हिसाब से आप कपड़ों को अलग अलग कर लें। अब देखिए इसको सॉर्टिंग कहते हैं, सब कपड़ा को अलग अलग किया गया है। इफ यू इग्नोर दिस सॉर्टिंग व्हेन फैब्रिक्स मे अक्वायर कलर स्टेन इफ द कलर ऑफ एनी अदर गारमेंट ब्लीच्स। अब मान लीजिए आप वस्त्रों को अलग अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई सफेद रंग का वस्त्र आप किसी ऐसे कपड़े के संग धो दिए जहां से रंग निकलता हो, तो आपका सफेद जो वस्त्र है या हल्का रंग का जो वस्त्र है वो खराब हो जाएगा। फॉर मेंटेनिंग गुड हाइजीन डस्टर किचन टॉवल्स एंड डिश क्लोथ्स अंडर गारमेंट्स सॉक्स नीड टू बी वॉश्ड सेपरेटली। अब देखिए अच्छी सफाई को बनाए रखने के लिए झाड़न, रसोई का जो तौलिया होता है, बर्तन साफ करने का कपड़ा, उसके बाद आपके जुराब, आपका अंडरगारमेंट, आपके मोजे, ये सब को आपको अलग धोना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 9.2.4 रीड लेबल्स ऑन दी गारमेंट्स। अब देखिए वस्त्रों पर लगे लेबलों को पढ़ें। अब देखिए इस तरह का आप लेबल देखे होंगे, ठीक है, कपड़ा में रहता है, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए कपड़ा निकालिए ध्यान से, खरीदते समय इस तरह का रहता है, ठीक है, इस पे क्या दाम है वो भी छिपा हुआ रहता है, और ये आप गंजियों में देखेंगे, कपड़ों में साइड में ऐसा रहता है। जनरली ऑल टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कैरी लेबल विच प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स वॉशिंग एंड आयरनिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखिए सामान्यतः सभी वस्त्रों तथा वस्त्र उत्पाद दो में लेबल लगे होते हैं, और यह हमें बताते हैं कि ये इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ है, क्या क्या चीज है इसमें, ठीक है, और हम लोग को इसको कैसे धोना चाहिए, इसको कैसे साफ करना चाहिए, इसका आयरन कैसे करना चाहिए। दीज इंस्ट्रक्शन आर स्टैम्प्ड एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फैब्रिक रोल और अलोंग इट्स स्लीवेज। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, अनुदेश, ये कपड़े के सिर के आरंभ में तथा अंत में या ध्यान पूर्वक पढ़ने से आप अपने वस्त्रों को बेहतर बनाएंगे। अब इसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, रीडिंग दिस थॉरली विल हेल्प यू टेक बेटर केयर ऑफ योर फैब्रिक्स।
फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टिच्ड एंड स्टैम्प्ड लेबल ऑन द गारमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये स्टिच्ड है, ये साथ में ऐसे जुड़े रहते हैं आप जब कपड़े खरीदते हैं, और ये स्टैम्प लगा हुआ रहता है, ठीक है। हैंगिंग टैग एंड सुवन टैग्स ऑन रेडीमेड गारमेंट्स। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्टिविटी 9.1, गतिविधि 9.1। कलेक्ट एंड स्टडी 3-4 लेबल्स ऑन टेक्सटाइल आइटम एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए यहां आइटम है कार्डिगन, सिल्क सूट, कॉटन ट्राउजर। अब इसमें ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है, इसका मीनिंग क्या है। कार्डिगन में मान लीजिए ऐसे लिखा है, मेड इन इंडिया, 80% आर्किलेक, 20% वूल, कोल्ड वॉश, वॉश डार्क कलर्स सेपरेटली, रीशेप, ड्राई फ्लैट, डू नॉट ब्लीच, डू नॉट ट्रोइंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट क्या है बता रहा है, कंटेंट क्या क्या है, कैसे साफ करना है, कैसे इसको सुखाना है। दूसरा, सिल्क सूट डू नॉट रिंस, ड्राई क्लीन ओनली। अब ये क्या बता रहा है, दैट क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड एट होम एंड शुड बी गिवन फॉर प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग ओनली। कॉटन ट्राउजर 80% कॉटन, 20% सिंथेटिक, ड्राई क्लीन ओनली। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ द क्लोथ, 80% कॉटन है, 20% सिंथेटिक है, एंड दैट इट शुड ओनली बी ड्राई क्लीन, और इसको सिर्फ ड्राई क्लीन किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहता है जिसका फॉलो आपको करना चाहिए।